हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, जो एमबीए सीटी के लिए बहुत ज़्यादा लैकिंग हो रहा है। तो एक्चुअली ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैश देते हैं बहुत सारे लोग, करेक्ट, कि ये करो वो करो, डू इट फॉर दिस समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको अगर सच में एम बी सी टी का एग्जाम देना है, उसके थ्रू अगर आपको टॉप कॉलेजेस टारगेट करने हैं, तो आपने एक्चुअली काम माइंड से क्या सोचना चाहिए आज की डेट में, क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है जो आपको अवॉइड करने हैं, एंड क्या क्या मेजर मिस्टेक्स आप लोग यूजुअली करते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लियर एम क्या होना चाहिए आज की डेट में। अभी ये आइडिया मुझे इसके वजह से आया कि हमारे YouTube वीडियो फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मैसेज डाला कि सर हमने ये वीडियो पे, ये YouTube चैनल पे ये देखा कि एग्ज़ाम का बीडिंग डेट आने वाला है। मैंने इसके एग्ज़ाम का बीडिंग डेट अभी तक एक्सटेंड हुआ है, फिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह बहुत सारे एंग्जाइटी इशूज़ बढ़ रहे स्टूडेंट्स में, करेक्ट। तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम का बीडिंग DTE के हाथ में है, वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट करे, TCS कंडक्ट करे, कोई भी कंडक्ट करे, या EON IT कंडक्ट करे, आपको क्या करना है यार उससे। जो एग्ज़ाम आपके लिए आएगा वही एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी सबके लिए है, करेक्ट, वही एग्ज़ाम पेपर सबके लिए आएगा, उसी लेवल का एग्ज़ाम पेपर एटलीस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं कि सबके लिए आएगा, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ अपना एम क्लियर रखना है, एंड आपका माइंड क्लियर रखना है, एंड पढ़ाई करनी। तो आपका आज के डेट में एम क्या होना चाहिए, आपने जो कॉलेजेस टारगेट करके रखे हैं वो, एंड उसको कितना स्कोर लगता है वो। फिर दूसरी चीज़ आती है कि MBA CET का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से 99.99% एग्ज़ाम कंडक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने CMAT के पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया कि MBA CET का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये कॉलेजेस की MMS की सीट्स, ये कॉलेजेस की MBA की सीट्स वैकेंट रह जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिया नहीं था कि हम लोग CMAT या MAT के थ्रू एडमिशन्स कंडक्ट करेंगे, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ CET के भरोसे पे बैठे हुए थे, कम से कम थाउजेंड्स में वो नंबर्स रहता है, थाउजेंड्स या लैक्स में वो नंबर्स रहता है जो सिर्फ और सिर्फ CET के भरोसे पे रहते हैं, तो वो लोग तो डायरेक्ट केस ठोक देंगे भाई, करेक्ट, क्योंकि आपने पहले अगर बताया रहता तो वो लोगों ने CMAT दिया रहता, करेक्ट। तो 99.99% CET कंडक्ट होगा। अभी कब होगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। अभी 30 अप्रैल तक तो नोटिफिकेशन आने से रहा, क्योंकि अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो और उन्होंने बीडिंग का डेट भी डिले एक्सटेंड किया है, करेक्ट। तो जब नोटिफिकेशन, हम लोग सब साइकिल ध्यान में रखते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको 15 डेज का विंडो लगेगा फॉर्म फिलिंग के लिए, 10 to 15 डेज का, हम लोग थोड़ा मोटा मोटा एंड पे तक पकड़ रहे। उसके बाद उनको 7 डेज का विंडो लगेगा सब कुछ अरेंज करने के लिए बैक एंड पे, एंड टू रिलीज द, क्या बोलते उसको, एडमिट कार्ड, करेक्ट, टू रिलीज द एडमिट कार्ड। एंड एक बार एडमिट कार्ड आ गया फिर क्या, फिर तो इसके बाद 3-4 दिन में मैक्स टू मैक्स एग्जाम हो जाता है। हम लोग ने अगर फिर भी 7 डेज का विंडो रखा ये एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो मैक्स टू मैक्स नोटिफिकेशन आने के बाद DTE या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को मैक्स टू मैक्स 30 डेज का विंडो चाहिए टू कंडक्ट एग्जाम। तो आप लोग ने अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो दैट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है आफ्टर 30 अप्रैल, तो आपने पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओके। अभी डिस्कस करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट डिस्ट्रक्शंस के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शंस के बारे में एंड द मेजर मिस्टेक्स यू गाइज डू, करेक्ट। तो प्लीज स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहला डिस्ट्रक्शन होता है यूट्यूब। आप लोगों ने चार पांच यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है भाई, एक बंदा अलग चीज़ बोलेगा, दूसरा बंदा अलग चीज़ बोलेगा, तीसरा बंदा अलग चीज़ बोलेगा, क्योंकि वो सब लोग मार्केटिंग के लिए बैठे, करेक्ट, सब लोग मार्केटिंग के लिए बैठे। अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तो कितने सारे यूट्यूब चैनल तो ऐसे है कि जिसमें कुछ कंटेंट भी नहीं रहता फिर भी यूट्यूब वीडियो निकाल देते हैं। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वीडियोस। इससे क्या होता है कि इससे आपका एंग्जाइटी बढ़ता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, ओके, इससे एंग्जाइटी बढ़ता है कि अरे एग्ज़ाम होगा, अरे एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं अभी, अब मुझे एक स्टूडेंट, मेरी अभी आज ही स्टूडेंट के साथ बात हुई, तो वो बंदी बता रही थी कि सर मैं अभी एक टॉपिक लेके बैठी तो एक वीडियो देखा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, फिर कब होगा। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि जो DTE का बीडिंग है, बीडिंग डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अरे आपको क्या करना है उससे, है ना, आपको क्या करना है,
जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आपके लिए थोड़ी ना अलग है, सबके लिए सेम है। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सबके लिए सेम है। एग्जाम डिफिकल्ट आए तो सबको डिफिकल्ट लगेगा, ईजी आए तो सबको ईजी लगेगा। फिर आपको क्या करना है, चुपचाप पढ़ाई करनी है, चुपचाप अपना प्लानिंग करो, उसको स्टिक टू दैट प्लानिंग, टेक मॉक टेस्ट एट द रेगुलर इंटरवल्स, एनालाइज दोज मॉक टेस्ट एंड प्लान अकॉर्डिंग। इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन योर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स ऑफ योर मॉक टेस्ट, चेंज इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस एंड कीप मूविंग। करेक्ट। एंड दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है, या दूसरा हम लोग मिस्टेक बोल सकते हैं इसको, मल्टीपल मेंटर्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3-4 लोगों के हिसाब से चलते हैं। अभी एक बंदे से स्टडी प्लान लेंगे, दूसरे बंदे से मॉक टेस्ट का टारगेट लेंगे, तीसरे मेंटर से और कुछ डाउट सॉल्विंग करेंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है? क्योंकि एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट आइडिया, अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट यू। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई एक मेंटर के साथ स्टिक टू वन मेंटर एंड लिसन टू देयर इनपुट्स, ठीक है? एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 15 days। अगर आपको 15 दिन के बाद भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स से आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग द मेंटर्स। बट उन्होंने जो भी बताया है वो अगर 100% आपने फॉलो किया है, फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, देन एंड ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग द मेंटर्स, ठीक है? बाय द वे, ये तो आपका पर्सनल लेवल पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर अभी डिस्कस करते हैं मेजर मिस्टेक्स, आप लोग क्या करते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करते हैं। QA QA में 15 मार्क के लिए क्यू आता है, इसमें भी 5 मेजर सेक्शन है, अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ। करेक्ट। अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ। 15 मार्क में से अराउंड 45-50% ऑफ वेटेज यहाँ पे होता है, 1-2 मार्क यहाँ पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। मॉडर्न मैथ तो बहुत रेयरली आता है, अल्जेब्रा के भी 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये 15 मार्क का प्रिपरेशन करने के लिए आपको कम से कम 7 से 15 दिन का टाइम लगता है, 7 to 15 days, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग राइट नाउ इफ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन QA। करेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ QA टॉपिक्स एंड लुक एट द ROI, कि आप कितना टाइम उसमें डाल रहे हो। अगर ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे, ज्योमेट्री पे 1 क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कितना पढ़ना पड़ेगा, पूरे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन 2D 3D, एंड उसके बाद आएगा क्वेश्चन 1। वो भी अगर वो टाइम पे 50-60 फॉर्मूला में से वो फॉर्मूला आपको याद रहा, इतने स्पीड कम था, इतने फास्ट स्पीड में आपने वो किया, तो वैल्यू एडिशन। अगर आपने ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन करेक्ट भी किया लेकिन 3 मिनट लिए, तो क्या पॉइंट बनता है? 3 मिनट लेके 1 मार्क्स को किया तो क्या पॉइंट बनता है? करेक्ट। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दैट एंड व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टाइम, आपका मूल्यवान टाइम, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करो, ठीक है? दूसरा सेक्शन आता है LR। तो LR में 2 टॉपिक्स, 2 पार्ट्स है। 75 क्वेश्चन आर यूजली ब्रोकन डाउन इनटू पजल्स, या हम लोग इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट्स, एंड जनरल या कन्वेंशनल LR, या हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉन पजल्स। तो पजल्स आप कितना भी करो, कितना भी करो, 6 to 5 questions आते हैं ऑन एन एवरेज ऑन ईच पजल, ईच सेट। तो 35 to 36 में से आपको 25 के ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमें टाइम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। करेक्ट। और बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 सेट सॉल्व करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व ओनली 3 सेट्स। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व ओनली 3 सेट्स। इसमें भी 18 मार्क्स आपको पक्के से नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं मैक्स टू मैक्स 50। करेक्ट। लेकिन टाइम कितना इन्वेस्ट होता है, क्योंकि आप बाकी के 3 सेट तो सॉल्व नहीं कर पाते, वो अटेम्प्ट तो करते हो, पढ़ते तो हो। करेक्ट। तो उसके लिए आपने अच्छे से प्लानिंग करके प्रॉपर पैरामीटर्स फिक्स करो, कौन सा पजल उठाना है, कौन सा पजल नहीं उठाना है। उसके बाद मेथड्स फिक्स करो कि कौन सा पजल मैंने उठाया था वो फिक्स किया था व्हाइल गोइंग बैक टू दैट पजल, मैंने कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, सो दैट ये 15 मार्क्स के लिए मुझे 20 से ज़्यादा मिनट ना दे लगे, ठीक है? 20 से 25 मिनट बहुत होता है। एंड अगर आप लोग रेगुलर इंटरवल्स में मॉक दे रहे हो तो उसमें भी ऑल पजल सॉल्व करने की कोशिश मत करो। हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बार ही मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है कि आप कोई तो भी डिजर्विंग क्वेश्चंस का टाइम खा रहे हैं नॉन पजल्स में। यहाँ पे पजल्स में 6-6 क्वेश्चंस का एक सेट आता है,
नॉन पजल्स में भी पांच पांच क्वेश्चंस के सेट आने वाले, कई सारे टॉपिक हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया, करेक्ट। तो शायद यहाँ पे डिजर्विंग सेट था, इनपुट आउटपुट का शायद इजी सेट था, जहाँ जो आपको देखने के लिए टाइम ही नहीं बचा, करेक्ट। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन वीआरसी, टेकिंग वीआरसी टू लाइटली इज द बिगेस्ट क्राइम इन एमबीए सीटी, बिकॉज 25% का वेटेज होता है इसको इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। हार्डली इसको आप 20% ऑफ टाइम भी देते हो, मतलब 30 मिनट्स भी देते हो इसमें, तो आपको 50 में से 35 मार्क स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 35-40 मार्क्स तक भी जाते हैं जो लोग स्कोर करते हैं, टॉपर जो रहते हैं 140 प्लस 150 का स्कोर करने वाले, ये आराम से यहाँ पे 35-40 मार्क्स स्कोर करते हैं, इससे भी कम टाइम, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको पेन उठाना है, ना तो आपको स्क्रीन के नीचे देखना है, सिर्फ माउस पकड़ना है, स्क्रीन की तरफ देखना है, फटाफट आंसर्स मार्क करना है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा। अभी भी आज से काउंट करते हो तो आज से भी आपको, आपके पास अराउंड मिनिमम 45 डेज है, उससे तो ज़्यादा ही है। तो मैं हमेशा से वीडियो जो बना के जा रहा हूँ अब रिगार्डिंग द वीकली स्टडी प्लान, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, तो उसमें हम लोग हमेशा बता रहे हैं कि डेली एक घंटा कम से कम आपने देना ही चाहिए, कम से कम बना आपने डेली देना ही चाहिए, करेक्ट। न्यूज़ पेपर पढ़ो, आरसी सॉल्व करो, जो करना है करो, मिनिमम एक आ तो दो घंटा दोगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोर जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। एंड डू नॉट फोकस ऑन वो कैब, आप आईएलटीएस जीआरई या टॉपिक की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो यहाँ पे, वो कैब आप 100 वर्ड पढ़ोगे, अगर आपको 101 वर्ड आ जाए तो आपने नहीं पढ़ा, करेक्ट। डू नॉट फोकस टू मच ऑन वो कैब, फोकस ऑन ग्रामर एंड फोकस ऑन डेवलपिंग योर लाइकिंग और डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। कंप्रेहेंशन पे फोकस करो, आरसी पे फोकस करो एंड ग्रामर पे फोकस करो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उधर ही सॉल्व होंगे, ओके। तो ये हो गया आपके मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं, अब डिस्ट्रक्शंस क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके आगे आपको कैसे बनना है। सो ब्रेक डाउन एवरीथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल, ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल द सेक्शंस, QA, LR, VI, वर्बल, नॉन वर्बल जो भी है सबके, LR में भी जितने टॉपिक्स है 75 क्वेश्चंस का वेटेज है उसके, 75 मार्क्स का, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल पे ब्रेक करो एंड देन टाइम मैनेजमेंट करो। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, LR में कौन सा है, मैंने एक टॉपिक उठाया ब्लड रिलेशंस, उसमें या नॉन पजल्स उसमें ब्लड रिलेशंस, करेक्ट। उसके अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा, या LR में मैंने पजल्स उठाए, पजल्स में लीनियर अरेंजमेंट में लीनियर एंड अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो वो फटाफट सॉल्व करो, करेक्ट। मैनेज और प्लान योर 6 to 8 आवर्स का स्टडी, अगर जितना भी दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छे से प्लान करो कि मैं पहले 2 आवर्स में क्या करूँगा, मॉर्निंग में 2 आवर्स में लेटेस्ट से आई रिव्यू दीज 2 आवर्स टू वर्क, देन आफ्टर उनके 4 आवर्स आई ब्रेक डाउन इनटू 2 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स ईच। फर्स्ट स्लॉट आई गिव 2 आवर्स टू LR के क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 2 आवर्स आई गिव टू LR के फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन अनदर टॉपिक, दिस इज वन टॉपिक, दिस इज टॉपिक टू टॉपिक सेकंड टॉपिक, ये मैंने बस एग्जांपल बताया, ठीक है। आपके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो एंड प्लान फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ द लॉन्गर वंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट 60 डेज का प्लान बना लेते हैं। अबे भाई आपको पता भी है कि सच में 60 डेज है या 45 डेज है या शायद 75 डेज, करेक्ट। प्लान फॉर 7-7 डेज, 7-7 दिन में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियलिस्टिक प्लानिंग करो, ठीक है। अनरियलिस्टिक मत करो कि 7 दिन में मैं 10 टॉपिक करूँगा, घंटे से 10 टॉपिक होते हैं, अरे 12 घंटे 2-10 टॉपिक नहीं होते, अरे बड़े बड़े टॉपिक, ओके, कोई भी आंडू पांडू टॉपिक उठा के मत लेके आए, और जो टॉपिक को सच में वेटेज है पहले वो टॉपिक उठाओ, अननेसेसरी QA के जो टॉपिक्स में वेटेज ही नहीं है वो टॉपिक पढ़ने के पीछे मत पढ़ो, ठीक है। वर्बल का वो क्या पढ़ने के पीछे मत पढ़ो, वर्ड पावर में भी पढ़ने के पीछे मत पढ़ो, अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं आपके पास टाइम बचा है, देन एंड ओनली देन मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक्स ऑफ लेसर इम्पोर्टेंस और लेसर वेटेज, ठीक है। इसके लिए कोई इनपुट चाहिए आपको, फील फ्री टू रीच टू अस, ओके। अभी हम लोग गैस वाला मोटिवेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रैक्टिकल मोटिवेशन एक चीज़ आपको बता सकते हैं, जो एक
व्यक्ति ने बोली हुई है उनके बुक में कि गोल्स शुड बी प्रोसेस बेस्ड एंड नॉट टारगेट बेस्ड। आपका गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट 135 प्लस का स्कोर करना चाहिए एट द इनिशियल लेवल। पहले आपका गोल होना चाहिए, जैसे भगवद गीता ने भी श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बोला था कि काम करते जाओ, करेक्ट। सब बड़े बड़े लोग वही बोलते हैं कि काम करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, जो मिलना है वो मिलेगा। आपने जितना सिंसियरली काम किया है, जितना सिंसियरली इनपुट डाले है, उतना सिंसियरली आपको रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। सो प्रोसेस बेस्ड गोल होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे के हिसाब से गोल रखो कि भाई आज के दिन में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, या आज के दिन में मैं एक टॉपिक दो टॉपिक इतना मैं कंप्लीट करूँगा, या आज के दिन में इतने आर्टिकल्स पढ़ूंगा, आज के दिन में इतने आर्टिकल्स कंप्लीट करूँगा, करेक्ट। ये सब के हिसाब से आपका प्रोसेस बेस्ड गोल होना चाहिए कि आज मैं क्या प्रोसेस कंप्लीट करूँगा, बस इतना मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहने वाले शख्स थे आयशा बोगले, उनका रिसेंटली बुक रिलीज हुआ है, उन्होंने ये बुक में बोला था कि प्रोसेस बेस्ड गोल होना चाहिए, टारगेट बेस्ड। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल इनपुट चाहिए या तो फिर कोई दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और रीच आउट टू अस। चलो, बेस्ट ऑफ लक।